नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। एसटीटी 2023 काफी आनंद फानन और हड़बड़ी में बीएसईबी के द्वारा ये परीक्षा ली जा रही है। और आपको बता दें कि फॉर्म डालने के एक महीने के भीतर ही परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और आनंद फानन में देखिए कि एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है, एक ऐसा मामला आया है जिसमें जो पहली पाली है और दूसरी पाली उसी दिन जो है, उन दोनों सेंटरों के बीच में 100 किलोमीटर का अंतर है, 100 से भी ज्यादा किलोमीटर का अंतर है। आपको बता दें कि बक्सर की रहने वाली एक महिला कैंडिडेट है, उनका प्रथम पाली में परीक्षा पटना में है और द्वितीय पाली में परीक्षा गया में सेंटर दे दिया गया है। क्या है पूरा मामला आपको हम बताते हैं। बता दें 12 सितंबर 2023 को होने वाली एसटीईटी परीक्षा के लिए बिहार के बक्सर जिला की एक महिला को दो परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों परीक्षा केंद्र के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है और दो शहर अलग अलग शहरों में ये सेंटर है। अब एक ही परीक्षा के लिए दो केंद्रों के आवंटन से महिला को परेशानी में डाल दिया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पटना 12 सितंबर को आयोजित एसटीईटी 2023 परीक्षा के लिए बक्सर के वार्ड नंबर 35 शिवपुरी की महिला कैंडिडेट मंजू कुमारी ने आवेदन किया था। उनका एडमिट कार्ड बुधवार को जारी किया गया। 12 सितंबर को पहली पारी में अंग्रेजी के पेपर की पेपर संख्या 2 की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक, जिसका परीक्षा केंद्र पटना के बीपार्ड कैंपस में है, तो वही दूसरी पाली में अंग्रेजी के पेपर संख्या 1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक गया जिला के बीपार्ड कैंपस में है। अब दोनों शहरों के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर से अधिक है। गुरुवार को महिला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीएसईबी के सचिव समेत अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर एक ही शहर के एक केंद्र पर परीक्षा केंद्र आवंटित करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हड़बड़ी का ही नतीजा है कि एक ही कैंडिडेट का एक ही दिन पर परीक्षा और दो अलग शहरों में, और दूरी जो है वो 100 किलोमीटर से अधिक दे दिया गया है। पटना बीपार्ड में पाला जो प्रथम सुबह की पाली है उनका उसका पेपर है, और जो दोपहर की पाली है वो जो है गया के सेंटर पर दे दिया गया है। ऐसे में जो कैंडिडेट हैं काफी परेशान हैं और उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और बीएसईबी के सचिव को कि उनका एक ही जगह सेंटर कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके साथ ये समस्या हुई होगी, लेकिन आपको बता दें कि जो कैंडिडेट हैं बक्सर की, उनके साथ ऐसा ही हुआ है। 100 किलोमीटर से अधिक एक ही दिन का दो सेंटरों के बीच का दूरी जो है डिसाइड कर दिया गया है और अलग अलग सेंटर पर आवंटित कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।